अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आज मैंने व्लॉग बनाया। काफी दिन मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, बच्चों की भी तबीयत सही नहीं थी। हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन सबको लग गई थी ठंड। हुरिया, ईरज, अहमद और मैं, हम हो गए थे बीमार और बुखार हो गया था हम लोगों को। और अब तक मुझे फ्लू हो रहा है और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हुरिया को, ईरज को, इन लोगों को भी फ्लू रह रहा है। तो ठंड बहुत हो रही है। कल 2 दिन नहीं थी ठंड, आज फिर ठंड बहुत हो रही है। दूसरी बात ये है कि अम्मी पापा आए हुए थे मेरे घर पे, पापा को दिखाना था डॉक्टर को। पापा की तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए उनका डॉक्टर का विजिट था, तो मैंने अपने पास ही रोक लिया था। तो आज अम्मी आई हैं और अम्मी ने मुझे एक दिया है सरप्राइज। तो चलें आप वो भी देखें और फिर मैं आपको साथ साथ आगे बताती हूँ कि मुझे क्या सरप्राइज दिया है उन्होंने। तो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं कमरे में और मम्मी पापा बैठे हुए हैं और पापा हंस रहे हैं। चलो थोड़ी बहुत हंस तो रहे। और तो दिखाते हैं आपको कि दोनों क्या सरप्राइज लेकर आए हैं मेरे लिए। असल में ये है मेरे बर्थडे का गिफ्ट अम्मी की तरफ से, क्योंकि अम्मी ने कहा कि जब भी तुम्हें लेना होगी ये तो मैं भी। तो चले ठीक है, सब खड़े हुए एक्साइटेड। नानू आखिर लेकर क्या आएंगे। चलो लाद बड़ा हुई देव लो देव हाथ लगाओ गिफ्ट दो ऐसे हमें क्या है ये आईफोन। तो व्यूअर्स ये है अम्मी पापा की तरफ से मुझे गिफ्ट और ये लेकर आई हैं अम्मी मेरे लिए आईफोन। असल में बर्थडे का गिफ्ट है। अम्मी ने कहा था रुक जाओ मैं थोड़े दिनों बाद सरप्राइज दूंगी। तो वो सरप्राइज ये है कि अम्मी ने मेरे लिए लिया है आईफोन। और फिर चले खोलते हैं कि कौन सा आईफोन है। खोल के देखो, पीछे लेते हैं करना सारे खोलो। टन टन तो अम्मी ने मुझे सब लगवा के दिया है, प्रोटेक्टर भी और पीछे का बैग भी 14 प्रो मैक्स। तो ये है। तो व्यूअर्स बच्चे बहुत एक्साइटेड है, आईफोन आ गया है घर पे और मैंने खोल भी दिया तो ये ऑन हो गया है। तो अम्मी ने मुझे दिया है आईफोन 14 प्रो मैक्स। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा मुझे यूट्यूब पे तो मैं अपनी इनकम से आईफोन इसको आगे बढ़ाऊं। तो आप लोग भी सपोर्ट करें और दुआओं में याद रखें मेरे मम्मी पापा को, ताकि इनको सेहत दे और सलामत रहे इनका साया मेरे ऊपर। और ये असल में था मेरा बर्थडे का गिफ्ट, मैंने सिर्फ एक शॉट आपके साथ है ना शेयर किया था। हमने घर में सादगी से कर ली थी क्योंकि हम अहमद का बड़ा फंक्शन कर चुके थे उसी मंथ में, और उसी मंथ में मेरी बर्थडे भी आती है। तो अम्मी ने बोला कि पहला जो है तुम्हारा ये वाला मोबाइल आईफोन मोबाइल जो है वो मेरी तरफ से होगा। इसलिए अम्मी ने कहा, अम्मी ने डाली होगी कहीं ना कहीं कमेटी वो मिली होगी, तो अम्मी ने मुझे अब वो दिया है। सो व्यूअर्स ये था मेरा व्लॉग आईफोन का। अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा लगा। पापा की तबीयत सही नहीं है और असल में उनका दिमाग पे जो है स्ट्रोक हुआ है और जिसकी वजह से उनकी मेमोरी जो है वो लॉस हो रही है, जिसकी वजह से है ना वो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अम्मी मेरा नाम भी भूल जाते हैं, उरिया का नाम भी, अम्मी का नाम भी भूल जाते हैं और पीछे जो बैक मेमोरी है कभी याद आ रही है कभी याद नहीं आ रही है। और काफ़ी चीज़ें हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही हैं इस इशू की वजह से, स्ट्रोक की वजह से। तो मैंने सोचा कि मेरे बचपन में उन्होंने मुझे बहुत मेरी बर्थडेज करी हैं क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, तो उन्होंने मेरी बहुत बर्थडेज की हैं, बहुत मेमोरी मेरी मेरे साथ मेरी मेमोरीज बनाई हैं उन्होंने। और जो उनकी वीडियोस आज तक मेरे बच्चे देख रहे हैं कि हाँ हमारे नाना ने हमारी मम्मा के साथ यानी कि मम्मा की बर्थडेज मनाई है, तो जो हैं आज तक जो वीडियोस हैं वो मौजूद हैं हमारे पास, कैसेट्स हैं, VCR है अम्मी का, उसमें बच्चे मेरे देखते हैं। तो अब मैंने सोचा है कि एक मेमोरी मैं अपने फादर के लिए ये करूं कि मैं उनकी बर्थडे सेलिब्रेट, वैसे तो मैं सादगी से करती हूं, घर पे जाती हूं, उनका केक वगैरह करते हैं हम,
मैं और अम्मी एनिवर्सरी भी करते हैं सेलिब्रेट, कुछ कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और अब जो है मैं चाह रही थी कि उनके साथ एक ऐसी हम वीडियो बनाएं, ऐसी ऐसी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें कि ना सब आए और विश करें, उनके साथ मेमोरी रिकॉल हो। लेकिन मैंने उनके अपनों को बुलाया था तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं आ सकते। उनके भाई को, उनकी बहन को हमने बुलाया था तो वो शायद बिजी है, इस वजह से नहीं आ सकते, तो नहीं आ सकेंगे। तो खैर कोई मसला नहीं, उनकी बेटी मौजूद है, उनके नवासे नवासी मौजूद हैं, तो जो मैं सेलिब्रेशन करूँगी उनके लिए। असल में आजकल जो है खूनी रिश्ते रहे नहीं हैं, तो बस एक मतलब के रिश्ते रह गए। मतलब होता है तो रिश्ते निभा लिए जाते हैं, मतलब नहीं होता तो रिश्ते नहीं निभाते। खैर मेरा तो अपने पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए पेरेंट्स पहले हैं, बाद में सब कुछ हैं। तो अगर वो हैं तो उन्हीं के साथ मेरे रिश्ते थे, अगर वो नहीं हैं तो उनके साथ भी वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके आप लोगों के साथ जो है बस बर्थडे का सेलिब्रेशन हम करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और घर पे मेरे घर पे आ जाएंगे वो। अभी घर पे अम्मी गई है लेकर उनको, तो घर पे आ जाएंगे तो तैयारियों के साथ भी। व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर को आना, इंतज़ार करिएगा और मेरे साथ सेलिब्रेट करिएगा पापा की। और क्यों ना आप लोगों के साथ मेरा एक रिश्ता बन गया है यूट्यूब वालों के साथ, जो मेरी व्यूअर्स है उनके साथ, तो आप लोग इन्जॉय करिएगा मेरा व्लॉग। और पापा को ना विश करिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।